कि मैं लवप्रीत दी मदर नू मिल के आवां, उनकी सिस्टर नू मिल के आवां। मैं इस चीज़ के नंबरस नहीं वधना देन चाहती। मेन मोटिव एक परिवार के नाल ते सी सी, पर एक मेन मोटिव है जड़ा मेरे पंजाब ली सी कि मेरे पंजाब विच इदा दे केसिस ना वधन, क्योंकि ऑलरेडी हजारा विच साडियां बच्चियां घर बैठिया हुई ने, प्रेगनेंट हो गई लड़कियां, मुंडे छड के चले गए। यह एक बड़ी दुखद तस्वीर है साढ़े पंजाब विच टेररिज्म के मुद्दे तो बाद। जे कोई एहो जी मंदभागी घटना है वो साडी NRI बच्चियां दी है। हाले तक बहुत स्ट्रोंग कानून नहीं आ सके, साडी स्टेट के बच्चे जाके बाहर रेवन्यू जनरेट कर रहे हैं सरकारां पिछे, बहुत सख्त कानून की इस्टम जरूरत है। हुण लवप्रीत जे खुजे बहुत सारे बच्चे ने, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को कमीशन विच केस आ चुके ने, मेरा कंसर्न यही है कि मैं इन्हां नंबरस नूं ना वधन दा। उम्मीद करती हाँ मीडिया भी मेरा इन साथ देगी। जिन्हें बच्चों नाल चीट होया या जड़िया लड़कियां बाहर बैठिया ने, कड़ी इन्वेस्टिगेशन होएगी, कार्रवाई होएगी। इस केस विच भी जे लड़की दोषी पाई गई, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन साढ़े सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लड़की इंडिया वापिस आएगी। कल मैं लड़की का पक्ष भी सुनिया, लड़की नाल वीडियो कॉल पर गल की, कल उनका परिवार मैनू मिलन आया सी। लड़की नू मैं कल मेरे कुछ गल्लां ते सवाल सन, क्वेश्चन मार्क है, पर मैनू पता इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। होर मैं लड़की नू कल कहा कि तैनू वापस आना पै सकता है इंडिया, उन्हूं कल हिंट दे दिता गया। उम्मीद करते हैं कैनेडा की गवर्नमेंट नाल साडा कोरेस्पोंडेंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सानू सहयोग मिलेगा। कैनेडा के नाल नाल साडे जिहड़े होर कंट्रियां च भी बच्चे ने, आपां उन्हां नाल भी गल करांगे, आपां अपनी स्टेट के मुखी नाल भी गल करांगे कि साडी स्टेट भारत सरकार ते दबाव पाए कि इहो जिहा कोई, क्योंकि साडी स्टेट चो मैक्सिमम बच्चे पूरे वर्ल्ड चो पंजाब चो जांदे ने, बहुत सारी होर स्टेट चो भी ने, पर साडा कंसर्न सिर्फ पंजाब नाल है। ते मैं अपने जिहड़ी साडी स्टेट दे मुखी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्हां अगे भी अपील करांगी कि साडी स्टेट दा इह जिहड़ा दुखद हादसे हो रहे ने हुण, ते इन्हां नूं रोकण लई भारत सरकार ते दबाव पाए। होर मैं भी प्रधानमंत्री जी तो टाइम मंगिया होया, उम्मीद है कि मैनूं समय जल्दी मिलेगा। इहदे ते हुण इक स्ट्रोंग बिल लिआउण दी जल्द जरूरत है समय की, कि साढ़े आ जड़े केस ने साढ़े यूथ खराब हो रहा, कुड़ियां खराब हो रही ने, साढ़े बच्चे ने, यंगस्टर मुंडे ने, बाहर जाने का एक जज्बा है परिवारों के विच। आप एक मेल ID बना जा रहे हैं नवी, जो सिर्फ एहो जिहे केसिस नूं देखेगी। वैसे तो जिहड़ा प्रोटोकॉल के हिसाब नाल NRI कमीशन बने हुए ने, पर जिहड़े साडे कोल भी बीइंग ए वुमेन कमीशन, मेरे को सारे राइट्स ने, मैं लड़कियां दे, क्योंकि एक मुंडे दे पिछे भी उनकी माँ और भैन का दर्द है। अज मैं लवप्रीत दी मदर और भैन नूं मिलन इत्थे आई हाँ। कंसर्न यह सी कि 4-5 कंप्लेंट ऑलरेडी होर मेरे को आ चुकी ने इस संदर्भ विच ही, तो जिन्हिया भी कंप्लेंट्स हुण अज सानूं बच्चे इत्थे इकट्ठे होए ने देणगे, सख्त कार्रवाई होएगी। बाहर बैठी लड़कियां नूं स्ट्रोंग मैसेज है, उन्हां दे परिवारां नूं मैसेज है, जे इदा हो रहा है, इदा तुहाडी बच्चियां कर रही ने, गलत राह ते जा रही ने, रोको इस चीज़ नूं, अदरवाइज बच्चियां दे नाल नाल परिवारां नूं भी मुश्किल, क्योंकि जदों सरकारां द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होंदी है, एक हरासमेंट बच्चे दे नाल नाल पूरे परिवारां दी भी होंदी है। उम्मीद कर दी हां ए स्ट्रोंग मैसेज उन्हां तक जाए। अज पीड़ित आए ने, उन्हां दे नाल लड़कियां दे नाल लड़कियां भी ने जिहड़ियां पीड़ित ने, लड़के चले गए बाहर मैरिज करवा के, उन्हां नूं हुण कर नहीं रहे, रख नहीं रहे, उन्हां बारे भी देखो। ਇਹ 62 ਛੱਡੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਰੂਟ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਮ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਬਾਹਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਸਭ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੇਟਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਏ ਵਿਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਕੱਲ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਤ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ FIR ਹੋ ਜਾਏਗੀ।